एवरीवन, एलएससी फोर ईयर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इलेवन मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन सेल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस टू वाटर डिफ्यूजन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिकल के लिए, तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें जैसे कि डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन, इज द पैसिव प्रोसेस, इज द एक्टिव प्रोसेस। तो इट इज़ द पैसिव प्रोसेस। और डेफिनेशन क्या है इसकी, कि यदि कोई मॉलिक्यूल्स या आयन सॉल्यूशन में या गैस एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होती है, वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिलेटिव डिफ्यूजन ऑफ टू सब्सटेंस डिपेंड ऑन देयर रिस्पेक्टिव मॉलिकुलर वेट। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ सकता है कि रिलेटिव डिफ्यूजन जो होता है ऑफ टू सब्सटेंस का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो मॉलिकुलर वेट पे। तो ये जो आपका इसमें जो हाईलाइट किया है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यदि मॉलिक्यूल छोटा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, यदि मॉलिक्यूलर वेट उसका कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि आप ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, यदि मॉलिक्यूल्स छोटा हल्का है, ठीक है, तो वो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। यदि मॉलिक्यूल जो बड़ा है, देन लार्जर मॉलिक्यूल हायर मॉलिक्यूलर वेट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट का, वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि लो से हाई होता है कि हाई से लो। रिलेटिव डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इट इज डिपेंड ऑन द रिस्पेक्टिव मॉलिकुलर वेट, ये इंपॉर्टेंट है कि वो उसके मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो व्हाट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें इंपॉर्टेंट है कि यदि हम हाइपरटोनिक सेल को एक सॉल्यूशन में रख दें हाइपरटोनिक, तो उसमें क्या हो जाता है, देयर विल बी नेट फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल। तो वो वहाँ से जो वाटर है वो सेल से बाहर की तरफ निकलता है, उसका फ्लो जो है बाहर की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है, सेल जो होती है वे लूज वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन यदि हम विल बी हाइपरटोनिक टू सेल, तो इफ़ इट्स सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर, जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है आपका आउटसाइड, वो हायर होता है दैन दैट इनसाइड द सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन कहाँ हायर होता है, बाहर या अंदर। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन आपका बाहर जो है वो ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इसका मतलब आपका वाटर का फ्लो आपका कैसे हुआ, अंदर से बाहर की तरफ, आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन अंदर कम होगा तो आपका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो हायर से लोअर आपका डिफ्यूजन जो होता है वो हायर से, ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर से लोअर, तो आपका फ्लो जो होगा वो हायर से लोअर, ठीक है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज द हायर इन आउटसाइड देन इनसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, सॉल्यूट तो क्रॉस नहीं करेगा, वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन हायर है आउटसाइड देन इनसाइड, तो वो तो क्रॉस नहीं करेगा। अब सॉल्वेंट हो गया वाटर, वाटर आपको क्रॉस करेगा, वाटर इनसाइड जाता है, जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ आपका सॉल्वेंट कम होता है। तो यदि बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा, तो और वाटर का मूवमेंट हाई से लो होगा, अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा यानी पानी ज़्यादा होगा, तो पानी बाहर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो अंदर से बाहर, तो वो क्या होगा, सेल्स जो होंगी वो मूव करेंगी वॉल्यूम, मतलब पानी कम हो जाएगा अंदर। तो जब पानी कम हो जाएगा तो वो क्या करेंगी, श्रिंक हो जाएंगी,
ठीक है, इट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज इट इज द फिनोमेनन ऑफ द प्लाज्मोलिसिस। दिस इज द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। ओके, यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग बाय सॉल्यूशन है कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मोलिसिस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि हम सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वाटर का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो अंदर का जो वाटर सॉल्वेंट होता है वो बाहर चला जाता है। तो आपका सिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इज प्लाज्मोलिसिस। ओके, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट, आई होप आप ले रहे होंगे इसका। इट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल भाषा में यह है, आप सीधे सी लैंग्वेज में इसे पढ़ सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट मतलब वाटर आपका इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, वो सॉल्यूट आउटसाइड हायर है, इनसाइड कम है। और सॉल्यूट तो आपका मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करेगा, तो सॉल्वेंट आपका इनसाइड टू आउटसाइड, इट इज द कंडीशन इज द हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूट हायर आउटसाइड देन इनसाइड। ये आपसे पूछ सकता है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कहाँ हायर है, बाहर या अंदर, इट इज इम्पॉर्टेंट। उसी का उल्टा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपका जो सराउंडिंग में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है और हाइपर में ज़्यादा होता है। जब सॉल्यूट बाहर कम होगा तो अंदर आपका सॉल्यूट कम होगा तो बाहर आपका वाटर ज़्यादा होगा, और अंदर आपका सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो वाटर कम होगा। तो मूवमेंट यहाँ कैसे होगा, वहाँ पे मूवमेंट हो रहा था आपका इनसाइड टू आउटसाइड, यहाँ पे मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड, यानी सेल के अंदर पानी जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल, रिजल्टिंग फिर वो स्वेल कर जाएंगी एंड रप्चर्स। ओके, इफ सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल बी नेट फ्लो ऑफ वाटर जो होगा वो आपका इनटू द सेल, मतलब पानी जो है आउटसाइड टू इनसाइड। आप सिंपल याद कर लीजिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी आपका सेल के अंदर जाएगा, हाइपर में पानी आउट ऑफ द सेल। ओके, तो आउट ऑफ द सेल आएगा तो वो श्रिंक कर जाएंगे, इनटू द सेल जाएगा तो वो अपना वॉल्यूम गेन कर लेंगी, वहाँ पे लूज हो जाता है। इफ द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज लोअर देन इनसाइड द सेल। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज द, आइसो का मतलब होता है इक्वल, यानी वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर नेट फ्लो होगा वाटर का विल बी जीरो, वाटर का नेट फ्लो बिल्कुल नहीं होगा, यानी वो बराबर है, इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पूछ सकता है वाटर का फ्लो आइसोटोनिक में इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड। तो आप इतना याद कर लीजिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नेट फ्लो जो होता है वो नहीं होता है, वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, ना इनसाइड ना आउट ऑफ द सेल, ठीक। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है रिमेन स्टेबल, मतलब सेम रहता है, ये आइसोटोनिक की कंडीशन होगी। प्लाज्मोलिसिस हाइपरटोनिक की, हाइपरटोनिक की जो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि वहाँ पे जो वाटर क्या होता है आपका आउटसाइड से इनसाइड जाता है, आउटसाइड टू सॉरी फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ द स्लेब, मतलब हाँ वाटर जो होता है वो इनसाइड टू आउटसाइड। तो श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ओके, तो यहाँ पे आउट ऑफ द सेल मतलब इनसाइड टू आउटसाइड, प्लाज्मोलिसिस द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड में आपका वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट आपका बाहर ज़्यादा होता है। बस इतना आपको याद रखना है कि सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा होता है तो वाटर अंदर जाता होता है, तो वाटर अंदर से बाहर आता है। ओके, डायलिसिस द मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, आयन
या आयंस का इन एडिशन टू वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन। यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आयन का मतलब इसमें एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस उनका मूवमेंट होता है, इसी को डायलिसिस बोलते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट डी प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोसिस का उल्टा ही डी प्लाज्मोसिस, रिवर्सिबल मतलब उसी का उल्टा। तो प्लाज्मोलिसिस में आपने देखा था कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन था, वहाँ पे पानी आपका इनसाइड टू आउटसाइड मतलब सेल के बाहर जा रहा था। डी प्लाज्मोलिसिस में हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन उसकी कंडीशन हो जाएगी, पानी वॉल्यूम फिर से गेन कर लेगा, आपका वाटर फिर से सेल के अंदर जाएगा, वाटर डिफ्यूज इन टू द सेल एंड प्रोटोप्लाज्म रिगेन इट्स शेप। इट इज नोन एज डी प्लाज्मोलिसिस। ओके, एक्सपेरिमेंट 12 दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। एक्सपेरिमेंट 12, स्टडी ऑफ एंजाइम एक्शन। नेम एंजाइम, एंजाइम पे बेसिस में एमसीक्यू क्वेश्चन हमें कुछ बनाए हैं, तो प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ एंजाइम दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑक्सीजन। ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल की बुक में दिया हुआ है। तो आपको एंजाइम के इसमें नाम बताने हैं जो आपके ऑक्सीजन से इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें थ्री टाइप्स के आपके एंजाइम हैं, ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज है, मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज है और ऑक्सीजिनेज। तो ये आपके तीन एंजाइम हैं, ये आप इन्हें याद कर लीजिए, इसके एग्जांपल दिए हैं। ये आपसे पूछ सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन से एंजाइम ऑक्सीजन से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडेज और मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज, ऑक्सीजिनेज। ऑक्सीडेज में आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसका एग्जाम्पल दिया है। तो ये आपका जो रेस्पायरेटरी होता है, रेस्पायरेटेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यूज होता है। तो इसका एग्जांपल आप याद कर लीजिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसका एग्जांपल है ऑक्सीडेज। फिर ऑक्सीजिनेज का एग्जांपल है लाइपोक्सीडेज ट्रिप्टोफेन। मिक्स्ड ऑक्सीडेज द फिनोलेज कॉम्प्लेक्स एंड कैटालेज एंड परऑक्सीडेज। इट इज इम्पोर्टेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑक्सीजन। एंजाइम प्रेजेंट इन मिल्क, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा एंजाइम हमारे मिल्क में पाया जाता है, जैंटीन ऑक्सीडेज। नेम ऑफ द एंजाइम दैट ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल यूनिट, हाइड्रोलाइसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिकल से की बुक में सब कुछ दिया हुआ, उसी से मैंने इसमें क्वेश्चन बनाए हैं। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन। नेम द एंजाइम दैट ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर यूनिट, हाइड्रोलाइसिस। नेम द एंजाइम दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। आपको बताने हैं नेम ऑफ द एंजाइम प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो नेम ऑफ द एंजाइम दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, कैटालेज एंजाइम, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है आपका ये। तो यहाँ पे H2O2 ये दिया हुआ है, और H2O2 ऑक्सीजन ये क्या कर देता है, H2O2 को ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। तो पूछ सकते हैं कि कौन सा एंजाइम है जो H2O2 को ऑक्सीजन में कैटालिज दस डिटॉक्सीफाइड टिश्यू, इलेक्ट्रॉन आर डिनोटेड टू ऑक्सीजन बाय डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज द कैटालिज एंजाइम। ओके, फिर है एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज की एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये प्रैक्टिकल की बुक में ही दिए हुए हैं, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहलिक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज फर्मेंटेशन में यूज होता है, और आपका जो सक्सिनिक एसिड है ये आपका क्रेब साइकिल में NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो ये आपका डिहाइड्रोजिनेज के एग्जांपल दिए हैं।
दिस एंजाइम ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल यूनिट, दिस इज द हाइड्रोलेज। मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में कन्वर्ट करने को यूनिट को हम बोलते हैं, दिस इज द हाइड्रोलेज, इज द इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेज, मोस्ट कॉमन एंजाइम इसमें होंगे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम में आपका एमाइलेज, ये पूछ सकते हैं कि हाइड्रोलेज में कौन से एंजाइम है, क्योंकि एमाइलेज ये क्या करते हैं आपके लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइपेज, प्रोटीनेज, प्रोटीन क्या करता है ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च लिपिड एंड प्रोटीन। एमाइलेज क्या करता है स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, लाइपेज लिपिड में, प्रोटीनेज प्रोटीनेज एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लाइपेज लिपिड को कन्वर्ट कर देता है, तो ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं। मोस्ट कॉमन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो हम सलाइवा में होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। ये पूछ सकता है कि कहाँ किस में पाया जाता है, मैमल्स के सलाइवा में पाया जाता है। ओके, ये इनिशिएट करता है स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करने में। ओके, ये आपका दिया था एमाइलेज, हाइड्रोलिसिस के एग्जाम्पल एमाइलेज है, तो ये आपका क्या करता है ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करता है। फिर आपका व्हाट इज द फिनोलेज, फिनोलेज क्या है ये एंजाइम है, ये दिस एंजाइम ऑक्सीडेज नेचुरली, ये ऑक्सीडेज होता है फिनॉल्स को आपका क्यूनोन्स में कन्वर्ट कर देता है। दिस रिएक्शन कॉज ब्रूइंग ऑफ फ्रूट और पोटैटोज, तो ये इम्पॉर्टेंट है ये आपका फिनॉल्स टू क्यूनोन्स, ये नेचुरली ऑक्सीडेज है। ओके, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब्स एंड लाइक्स माई वीडियो। तो ये आपके बेस्ड ऑन एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिकल, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे रिवीजन के लिए, और ये मैंने प्रैक्टिकल की बुक से नोट डाउन किए हैं, तो प्लीज़ आपको मेरा कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।